15 minutes could save you 15% or more. Oh, that's a cheer we used to do in softball. What? It's actually Geico's. Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit home runs. Annoying. The phrase is from Geico because they help save people money. Geico? Yeah, they were our team sponsor. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. Neelanjana samabhasam raviputram yamagrajam chayamartand sambhutam tam namami shaneshwaram. Neelanjana samabhasam raviputram yamagrajam chayamartand sambhutam tam namami saneshwaram. Neelanjana samabhasam raviputram yamagrajam chayamartand sambhutam tam namami saneshwaram. शिव का संकट। जब शनि देव ब्रह्मा का आशीर्वाद पाकर शेष 8 ग्रहों से भी शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने अपने भाई बहनों का राजपाट छीन लिया और तीनों लोकों पर राज करने के लिए सबको सताने लगे। तब शिवजी ने क्रोधित होकर उन्हें अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दिया। जब शिवजी का आदेश सुनकर भी शनि उनके पास नहीं आए तो शिव के गण उन्हें शनि के पास ले जाने की कोशिश करने लगे, पर शनि ने गणों को भी परास्त कर दिया। इसके बाद जब शिव ने नंदी और प्रमुख गण वीरभद्र को भेजा तो उनका भी वही हाल हुआ। इस तरह अंत में शिवजी ने स्वयं जाकर शनि से भयंकर युद्ध किया और उन्हें लगभग मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया था कि तभी शनि के पिता सूर्य देव को इस बात की खबर लगी और वो भागते हुए शिव के पास पहुँचे। सूर्य शिव से अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए विनती करने लगे। तब शिव जी ने शनि को प्राण दान देकर समझाया कि तुम्हें स्वयं ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया है, इस शक्ति का सदुपयोग करो। तुम्हारी शक्ति तो राजपाट से भी बड़ी है, अच्छे कर्म से इसका मान बढ़ाओ। इस तरह शिव की बात मन में लेकर शनि देव ने वहीं शिवलिंग की स्थापना की और शिव की घोर तपस्या करने लगे। इस पर शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम आज से जीवों के कर्म फल के अनुसार दंड या पुरस्कार दो। आज से जहाँ भी तुम्हारी शुभ दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ सुख संपत्ति बढ़ेगी, जहाँ कुदृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ दुख और दरिद्रता वास करेगी। तुम्हारी दृष्टि से देवता भी नहीं बचेंगे। तुम्हारी सबसे अधिक महत्ता कलयुग में होगी और तुमने ये जो शनिश्चरेश्वर लिंग स्थापित किया है, शनिवार को जो उसके दर्शन करेगा उसे तुम्हारी बाधा नहीं होगी। शनि तो बालपन से ही चंचल थे, इसलिए जब उन्हें शिव से ये वरदान मिला कि तुम्हारी दृष्टि से मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं बच सकते, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे किसी देवता पर परखा जाए। पर अब दूसरा देवता कहाँ ढूंढेंगे। तभी उनके मन में विचार आया कि इस परीक्षण के लिए शिव तो सामने ही है, तो शनि भगवान शिव पर अपनी दृष्टि डालने को हुए। पर जैसे ही शिव को इस बात का आभास हुआ कि उनका शिष्य उन्हीं पर अपनी शक्ति का परीक्षण करने जा रहा है, वो वहां से भाग खड़े हुए। भागते हुए उन्हें इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को इतनी बड़ी शक्ति देकर अनजाने ही बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है।